मॉर्निंग गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग वंडरफुल टुडे। आई एम इन नुब्रा वैली। मैं आपको व्यू दिखा दूं यहां से। डिस्किट नाम के गांव में हूं मैं फिलहाल। ये रहा मेरा गेस्ट हाउस जो था ग्रीन लैंड, ब्यूटीफुल प्लेस। इफ यू आर कमिंग हियर डू चेक दिस आउट। आज हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं फ्रॉम नुब्रा वैली से पेंगोंग तक। वहां पे आज का होगा अपना स्टे। बाय बाय। वो रिवर आपको देख रहे हो, रिवर जा रही है, ग्रीन पैच है रिवर के साइड में, दोनों साइड से पहाड़। तो सब बाय बाय कह रहे हैं। कितने प्यारे लोग हैं देखा आप लोग। मैंने ज़्यादा जस्टिस नहीं किया होगा कैमरा से, क्योंकि मैंने खुद बहुत इन्जॉय किया। और मैं आपको वही रिकमेंड करता हूँ कि आप खुद आके अपनी आंखों से देखो, तब आपको पता चलेगा कि ये वैली और ये प्लेस कितनी खूबसूरत है। 7:18 हो चुके हैं। जल्दी इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि जितने आप लेट यहाँ से निकलोगे उतना आपको रिवर क्रॉसिंग में ज़्यादा उतनी तकलीफ होगी, क्योंकि पानी बढ़ जाता है। जितने अर्ली आप पहुँचोगे उतने बेटर आपको डील्स और उतने बेटर आपको रूम्स मिल जाएंगे। अभी हम लोग रिवर के बहुत नज़दीक से राइड कर रहे हैं। लो भाई, ब्रेकफास्ट भी अपना हो गया। यहाँ पे हैप्पी रेस्टोरेंट खालसर में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स लाइन में हैं। पेंगोंग की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे एक स्टॉप है, उस गांव का नाम है अघम शायद। तो अघम में हम लोग अगला स्टॉप लेंगे, शायद 1-1.5 घंटे की दूरी पे है यहाँ से। जो यहाँ की रेत है और छोटे छोटे पत्थर है वो रोड पे आ चुके हैं। ये देखो, ये पत्थर कहाँ पे आके रुक गया, देखो लोडेड है। सॉरी, अभी सीन देखो, ट्रक हमारे लिए रुका हुआ है क्योंकि रोड इतनी सी ही है बस। तो ये है अघम, आप देख सकते हो काफ़ी सारी शॉप्स है, रेस्टोरेंट। कुछ खाना पीना है, ब्रेकफास्ट फ्रेस करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। ये बोर्ड यहाँ पे लगा है, पेंगोंग लेफ्ट शक्ति राइड। अपन जा रहे हैं पेंगोंग तो अपन लेंगे लेफ्ट। परनाक वाली रोड आ चुकी है दोस्त। ये देखो, लेफ्ट में खाई है और यहाँ पे ऑफ रोडिंग चल रही है। बताओ, मैं भाई राइड से निकल लूँगा, लेफ्ट में अपने को जाना ही नहीं है। कोई कार आ गई तो लेफ्ट में जाएंगे। और रिवर का फ्लो देखो, फ्लो इतनी जोरों शोरों से चल रहा है। ओ माय गॉड, बौखलाई हुई है पूरी रिवर। बहुत सही। ये आप देख रहे हो ना, ये जो क्लिफ है अभी राइट लेफ्ट में पूरी पत्थर से भरी हुई है ये। तो ये पत्थर तो कभी भी नीचे आ सकते हैं, बिन बुलाए मेहमान हो सकते हैं ये पत्थर आपके रास्ते के। अरे बाप रे, रोड कहाँ है मेरे भाई। ओके, लेफ्ट में राइट में राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट 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 लेफ्ट। थोड़ा सा इस साइड, थोड़ा सा इस साइड। ये वाला लूज पत्थर है, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो। मैं ही, अरे बाप रे, ओ बाबा, ये क्या है दोस्त। इसको देखो, इस पहाड़ को देखो, इतने नज़दीक है वो और पूरे पत्थरों से भरा हुआ है यार। मतलब ये क्या है, ये तो पत्थर कभी भी अपने सर पे आ सकते हैं। पत्थरों की दुनिया से निकलते हुए यहाँ पत्थर ही पत्थर है भाई। हाँ बस, अभी यही आना बाकी था। अभी वापस देखो, रोड ही नहीं आगे। मिट्योर, गेट रेडी। आई मिस्टेक, इसी ऐसा लूज वाला पत्थर ना मिल जाए मुझे। अरे बाप रे, ये देखो अभी, वाह, मैं इतना उछल के वापस सीट पे आ गया हूँ। क्या बताऊँ आपको, कुछ समझ में नहीं आया होगा क्योंकि गोप्रो का सेग्रेशन सही है बस। ये देखो, मुझे फर्स्ट गियर में डालना पड़ा अभी। पहले ये कर लो। ओ भाई सही है, पहले तो रोड नहीं है उसमें से, ये घाट टाइप के टर्न्स भी हैं इसमें। आ लग गया, कुछ तो लग गया, कुछ तो लग गया, कुछ तो लग गया। शिट, पिछला वाला ब्रेक है ना, वो मैं दबाऊँ तो वो शायद नीचे स्टोन को भी लग जाता है। ओ नो, चलो ऑलमोस्ट निकल आ गए हैं। ये रुको मत मेरे भाई। चेतन एक लाइन में चलते हैं, तुम जाओ पहले। दोनों साइड साइड में चलेंगे ना तो एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे। काफ़ी बड़ा है ऑफ रोड स्ट्रेच है यार, और हर तरह का लूज ग्रेवल भी है, बड़े पत्थर भी है, थोड़ी मिट्टी वाली भी है, पानी भी है, सूखा भी है। ऑफ रोड का पूरा प्लेटर। सबसे खतरनाक जो ऑफ रोड था वो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे पहुँचे जहाँ बैटरी डाउन हो गई है, तो आगे देखो बहुत बड़ा वाटर क्रॉसिंग दिख रहा है। तो चलो करते हैं जीत की तैयारी। चलो भाई, लेट्स डू इट। बॉस, वेल डन, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो।
मैं वहाँ पे ज़्यादा रुका नहीं, क्योंकि रुकने के बाद क्या होता है ना, वो जोश जो है वो आपको हावी हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो कुछ भी, कोई भी छोटा मोटा जोश जो है वो सर पे चढ़ जाए और हम होश खो बैठे। ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार ये तो, यहाँ से नहीं था यार। ओह शिट, ओह गॉड, कम ऑन, यू कैन डू इट, कम ऑन, यस यू डिड इट माय बॉय। ये देखो, वाओ, एक तरफ बहुत ज्यादा खतरा, उसकी तरफ ये खूबसूरती। इस रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं और एडवेंचर की कमी हो ही नहीं सकती। जय हनुमान। चिल्ड पानी है। ओह, थोड़ी सी मदद लगी। मुझे लग ही रहा था कि हम काफ़ी जल्दी पंगोंग पहुंच जाएंगे, पर ये मंजूर किस्मत नहीं था मेरे भाई। स्क्रैम का ट्यूब टायर हो गया पंक्चर और हमने एक बाइकर ग्रुप से मदद ली। हवा कुछ सेकंड्स के लिए भी टायर में नहीं रह रही थी। मैं निकल पड़ा वहाँ से दुर्बुक के लिए, जो करीब 20 किलोमीटर पे था, टू फाइंड सम मैकेनिक। मुझे वहाँ रॉयल एनफील्ड की व्हीकल मिली, जो सिर्फ मुझे टायर निकाल के टूल्स दे पाए। एंड टूल्स लेके मैं 20 किलोमीटर वापस चेतन के पास पहुँचा, टायर निकाला, बाइक पर डाला और हम लोग निकल के ट्यूब पंक्चर ठीक करवाने। तो वो जगह हमें मिली 25 किलोमीटर दूर, जहाँ 1.5 घंटे के बाद टायर हो गया ठीक। उसके बाद हम लोग 25 किलोमीटर वापस आए, टायर लगाया गया और वहाँ से निकले तो पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। अब हो ये गया था कि टायर की जो बुश रहती है वो बुश खो गई थी, तो उसका जुगाड़ करते करते बच गए रात के 9। एंड फाइनली एक बैरिंग को हमने बुश की तरह यूज़ करके जुगाड़ बना के बाइक कर दी ठीक। गाइस, तो हम लोग पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट पेंगोंग लेक, मुझे आगे दिख रहा है। इसके पहले जो जो भी हुआ वो उसकी अपडेट मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन यहाँ पे पेंगोंग की चाय की तरफ जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। बारिश बहुत हो रही थी तो हमें कोई कैमरा वैमरा नहीं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। इसके आगे जो आ रहे हैं उसकी चेतावनी हमें मिल चुकी है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। आराम से शेष, ये गयो। Awesome boss, this is how the Pengong Lake welcomes you when you come from this side. If you come from that side of the lake, probably you're in China, boy. ये ऊपर ले लेते हैं, ले लो भाई, ले लो, कुछ नहीं होने वाला। देख लेते हैं अपन किसी कॉफ़ी शॉप में पहुँचते हैं क्या। अरे बाप रे, तो मुझे आगे लग रहा है एक कॉफ़ी शॉप सा, तो वहाँ रुकते हैं। तो ये रही बाइक्स, अभी ये टिका हुआ है, सब कुछ सामान टिका हुआ है। दिस इज मी, चलो। This is the lake. यहाँ पे बहुत सारे shops, बहुत सारे restaurants और camping sites हैं। And ये यहाँ पे जो दिख रहा है, that is the three idiots के कुछ props रखे हुए हैं। रेक की तरफ यहाँ छोटे ब्रिज बने हैं। यार कितनी गंदगी क्यों कर रहे हैं यार लोग, यहाँ पे प्लास्टिक फेंक रहे हैं, मत फेंका करो यार। तो ये रहे हम लोग एकदम लेक के नज़दीक, और कितने सारे यहाँ पे props रखे हुए हैं। और ये है करीना जी का हेलमेट।